त्रिस्तरीय पंचायत चुनावों को लेकर जावत की ग्राम पंचायत खोर में सरपंच पद के दावेदार अपना प्रचार प्रसार कर रहे हैं, लेकिन एक दावेदार ऐसे हैं जो बरसों से समाज सेवा में जुटे हैं, जिसे लेकर उन्हें सरपंच पद के लिए उम्मीदवार बनाया गया है। वही हमारे संवाददाता नंदकिशोर दमामी ने खोर गाँव के सरपंच प्रत्याशी रणजीत सिंह से चर्चा की है। पूर्व में भी आप समाज सेवी हो, अभी भी आप वर्तमान में समाज सेवी का काम करते हो और अब की बार चुनाव लड़ने का आपने निर्णय लिया है, किन मुद्दों को लेकर आप चुनाव लड़ रहे हैं? मेरा पहला, सबसे पहला मुद्दा और पहला लक्ष्य है जीतने के बाद, ये जनता जो भी आशीर्वाद दे उसके बाद में इस गांव में गौशाला की बहुत बड़ी आवश्यकता है। करीब करीब 100 से ज़्यादा गौमाता अभी बारिश के मौसम में और दूसरे मौसम में इधर उधर घूमती रहती है, तो उनके लिए मैं एक जो यही ज़मीन है जिसका नंबर है 1665/66 जो किसी को लीज पर हुई थी यहाँ के बाहरी व्यक्ति को, उससे केस भी लड़ाई लगातार एक बहुत लंबी कानूनी लड़ाई लड़ी है और बहुत जल्दी वो ज़मीन मुक्त भी हो जाएगी। वहाँ गौशाला निर्माण पहला लक्ष्य। दूसरा यह है कि जो खेल मैदान बन रहा है अभी, ये इसलिए कि अभी सरकार की नई योजना लागू हुई है अग्निवीर, उसकी तैयारी के लिए कहीं ना कहीं एक आवश्यकताएँ तो होती है कि तैयारी कहाँ करेगा, ट्रेनिंग के लिए, फिजिकल के लिए, उस पर मेरा फोकस है। ग्राम पंचायत खोर में 4 दावेदार हैं जी, और आपका जनसंपर्क कैसे मिल रहा है लोगों से, ये बताइए जी। जनता से अच्छा समर्थन मिल रहा है और इस बार वोटर साइलेंट है यहाँ का, और मैं निरंतर पिछले कई वर्षों से जनता के बीच में रहा हूँ, जमीन से जुड़ा हुआ व्यक्ति रहा हूँ, और कभी भी किसी को भी कोई आवश्यकता रही हो तो शायद जो भी प्रशासनिक सहायता उसको दिलवाई जा सकती है शासन के स्तर पर, उसमें मैंने हमेशा अपना पूरा योगदान दिया। अब की बार चुनाव में अगर आपको जीत मिलती है तो सबसे पहले प्राथमिकता विकास को लेकर क्या रहेगी आपकी? जी, सबसे पहले तो चूँकि एक बड़ी समस्या जल की थी, पर केंद्र सरकार के हर घर नल जल योजना में नई टंकी बनी है तो उसका जो पानी की सप्लाई है वो सुचारू रूप से हो जाए। इसके अलावा साफ सफाई को लेकर अभी तक यहाँ वाहन वगैरह नहीं है सफाई के लिए, उसकी व्यवस्थाएं की जाएगी। दूसरा, जो यहाँ का युवा, पढ़ा लिखा जो युवा है, इंजीनियर्स काफ़ी सारे हैं, MBA के काफ़ी सारे हैं, ITI के काफ़ी सारे हैं, उन सभी के लिए उनकी योग्यता के अनुसार रोजगार उपलब्ध करवाएं जी। पूर्व